हेलो माय डियर स्टूडेंट्स, अगेन वेरी वेलकम टू ऑल ऑफ यू। नाउ वी आर टॉकिंग अबाउट क्वेश्चन नंबर 6.11 और ये जो क्वेश्चन है ये पावर से रिलेटेड है। पहले हम पावर के कॉन्सेप्ट को समझ लेते हैं, फिर इस क्वेश्चन के ऊपर आते हैं। हमको अगर पावर फाइंड करना है तो पावर होता है पावर इज़ द रेट ऑफ डूइंग वर्क, पावर इज इक्वल टू डब्ल्यू डिवाइडेड बाई टाइम। अगर टी टाइम में हम डब्ल्यू वर्क करते हैं तो पावर इज इक्वल टू डब्ल्यू बाई टी, यूनिटी टाइम में कितना काम हुआ है, दैट इज द पावर। ओके, और यहाँ पर पावर के लिए हमारे पास एक और फार्मूला है, दैट इज़ डॉट प्रोडक्ट ऑफ फोर्स एंड वेलोसिटी, डॉट प्रोडक्ट ऑफ फोर्स एंड वेलोसिटी। ओके, अगर फोर्स और वेलोसिटी एक ही डायरेक्शन में है तो पी इंटू वी आप कर सकते हैं, और इसी से रिलेटेड हमारे पास एक क्वेश्चन है। यहाँ पर एक और चीज़ हमको ध्यान से देखना है कि पावर की अलग अलग यूनिट है। हमारे पास में पावर का ऐसा यूनिट होता है वॉट, और एक और यूनिट है हॉर्स पावर HP। ओके, और यहाँ पर इन दोनों में रिलेशन हमको पता होना चाहिए। 1 हॉर्स पावर इज इक्वल टू 746 वॉट होता है। 1 हॉर्स पावर इज इक्वल टू कितना होता है, 746 वॉट होता है। ओके, तो ये भी वैल्यू हमको याद रखना है, तभी हम इस क्वेश्चन को आगे सॉल्व कर सकते हैं। और यहाँ पर हम क्वेश्चन पढ़ते हैं, एन एलिवेटर कैन कैरी द मैक्सिमम लोड ऑफ 1800 kg एलिवेटर प्लस पैसेंजर। तो कितना वेट, वो मास कितना कैरी कर सकता है, एम इज इक्वल टू 1800 kg। तो अगर हम वेट की बात करें तो हमको पता है एम इंटू जी होता है, तो एम है 1800 और जी का वैल्यू हम 10 ले लेते हैं, तो इसे लिखेंगे 18,000 न्यूटन। ओके, और उन्होंने आगे दे रखा है द फ्रिक्शनल फोर्स अपोजिंग द मोशन इज 4,000 न्यूटन। वो जब एलिवेटर ऊपर जा रहा है तो उस पर फ्रिक्शन फोर्स भी काम कर रहा है, और उसके अगेंस्ट भी मोटर को काम करना पड़ेगा क्योंकि उसको भी ऊपर खींचना है ना। डिटरमाइन द मिनिमम पावर डिलीवर्ड बाय द मोटर, तो वर्क डन बाय मोटर, अगर हम देखें वर्क डन बाय मोटर, ओके सॉरी फोर्स अप्लाइड बाय मोटर, वर्क डन नहीं, फोर्स अप्लाइड बाय मोटर, कितना फोर्स लगाएगा मोटर, तो एफ इज इक्वल टू एक तो पैसेंजर का वेट जो कि है 18,000 प्लस यहाँ पर फ्रिक्शन फोर्स दैट इज 4,000, तो अल्टीमेट हमको मिलेगा 222,000 न्यूटन। ओके, और अगर हम पावर की बात करेंगे तो पावर होता है, यहाँ पर आगे दे रखा है, मूविंग अप विथ कॉन्स्टेंट स्पीड 2 मीटर पर सेकेंड, और फ्रिक्शन फोर्स भी लग रहा है। हमको पावर पता है फोर्स इंटू वेलोसिटी, तो फोर्स हमारा 22,000 इंटू वेलोसिटी कितना हो गया, वेलोसिटी हो गया है 2, तो हमारे पास में आंसर आ जाएगा 4,400 वाट। ओके, अगर हम इसी पावर को हॉर्स पावर में कन्वर्ट करते हैं तो 4,400 divided by 746 horsepower, ठीक है। और अगर हम यहाँ पर चेक करें, इसको डिवाइड करें, तो हमारे पास में आता है 59 horsepower, 59 HP। ओके, थैंक यू वेरी मच।